ज्वेलर्स बोले धारा 411, 412 और 413 में संशोधन होना चाहिए, इसका दुरुपयोग होता है। शहर के ज्वेलर्स ने एक बार फिर ब्रिटिश काल से लागू धारा 411, 412 और 413 में संशोधन की मांग उठाई है। ये तीनों धाराएं ज्वेलर्स के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। चोरी की वारदातों में पकड़ाने वाले आरोपी जिस ज्वेलर्स की दुकान बता दें, वह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। भारतीय दंड संहिता की ये तीन धाराएं चोरी अथवा डकैती का सामान खरीदने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करती है, लेकिन पुलिस इन धाराओं का दुरुपयोग कर आभूषणों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को पुलिस डराने धमकाने लगती है। अधिकांश मामलों में पुलिस प्रकरण को निपटाने के लिए चोरों की बात मानकर व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर दबिश देकर अलग उन्हें बदनाम और बर्बाद करने का काम करती है। इस बात की जांच भी नहीं की जाती कि किसी व्यापारी ने आभूषण सही तरीके से खरीदे हैं या नहीं, क्योंकि आभूषण खरीदना बेचना ज्वेलर्स का व्यापार है, लेकिन वे हमेशा कानूनन ईमानदारी से व्यापार करते हैं। यदि किसी व्यापारी ने इरादतन चोरी का सामान खरीदा है तो वह सही कीमत कभी नहीं देगा, लेकिन यदि किसी व्यापारी ने इरादतन चोरी का सामान खरीदा है तो वह सही कीमत कभी नहीं देगा, लेकिन यदि किसी व्यापारी ने सही कीमत और बिल लेकर आभूषण खरीदा है तो उसकी नियत पर संशय नहीं किया जाना चाहिए। ज्वेलर्स का कहना है कि यदि चोर ने किसी व्यापारी को भ्रमित कर ज्वेलरी बेची है और पकड़ाया है तो ज्वेलरी बरामदगी के साथ राशि की भी बरामदगी होनी चाहिए। ज्वेलर्स का कहना है कि वे अक्सर या तो किसी परिचित ग्राहक और ग्राहक के परिचित व्यक्ति से आभूषण खरीदते हैं या फिर आभूषणों के बिल प्राप्त कर। इसके अलावा पुलिस को यह भी देखना चाहिए कि आभूषण की सही कीमत अदा की गई है या नहीं। इससे स्पष्ट हो सकता है कि ज्वेलर्स ने जानबूझकर चोरी का सामान खरीदा है या चोर ने चालाकी से ज्वेलर्स को सामान बेच दिया। ज्वेलर्स ने कहा कि वे भी जानते हैं कि चोरी का सामान खरीदने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदारी से व्यापार करने वाले ज्वेलर्स परेशान न हो। हमारे स्वर्ण का ज्वेलर्स के जितने भी संगठन सभी ने राज्य शासन को, केंद्र शासन को अपनी इस बात से अवगत कराया। जेल के अलावा मध्य प्रदेश से कैलाश जी सोनी जो राज्यसभा सदस्य है उन्हें भी अवगत कराया है। उन्होंने संसद में भी उठाया है। 411 की जो धारा है वो व्यापारियों के दंश है। 411 में कोई भी व्यापारी किसी भी परिचित से या परिचित के परिचित से कोई सोने का जेवर खरीदता है और वो अगर गलती से 411 चोरी का निकलता है तो उसको 411 के लिए सीखता है। तो हमारी शासन से एक ही मांग है कि व्यापारी जो भी लीगल तरीके से अगर उसको खरीदता है तो उसको जो पैसा दिया जाता है चोर को उसकी बरामद भी होना चाहिए। दूसरी बात, व्यापारी अगर लीगल तरीके से सोने का जेवर खरीदता है और वो अगर चोरी का निकलता है तो व्यापारी को इसमें राहत दी जानी चाहिए। आपका शुभ नाम? संजय सोनी, कठेरवाड़ी व्यापारी एसोसिएशन पूर्व सचिव। इसको हटाने के लिए हमने कई बार आवेदन दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, परंतु क्या है कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है, कानून मंत्रालय के अंतर्गत अंग्रेजों के समय से ये धाराएं चलती आ रही है और इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि 411 और 413 का दबाव बनाकर और जो दिक्कतें हमको यहाँ आती है बाहर की, जब पुलिस आती है तो उनका दृष्टिकोण यही रहता है कि भाई मुलजिम जो है ये आपके ज्वेलर्स को बता रहा है। ज्वेलर्स हमारे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अगर ली है तो हमारा देता है। ज्वेलर्स कभी गलती से कोई सामान ले भी लिया है, परंतु क्या है कि उसमें 411 और 413 का दबाव बनाकर और उसमें कानूनी रूप से हमारे व्यापारी को उलझाया जाता है। तो ये कम से कम इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की जब से सरकार बनी है कई संशोधन संविधान में हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि 411 और 413 का संशोधन होकर और इसको सरल रूप प्रक्रिया बनाना चाहिए, ताकि क्या है कि उसमें एक जो भय का व्यापार रहता है, भय बना रहता है व्यापारी वर्ग में, वो नहीं बना रहे हैं। 412 और 413 किस तरह से परेशान करने वाली धारा है? नहीं, इसमें क्या है कि मुलजिम जो रहता है उसके साथ में हमारे व्यापारी को भी मुलजिम बनाया जाता है, तो वो नहीं होते हुए, क्योंकि व्यापारी ने अगर गलती से कुछ सामान ले भी लिया है तो वो उस वापस उसको रिकवरी के रूप में पुलिस को देता है हमारा व्यापारी, तो उसको मुलजिम बनाना कहाँ तक उचित है। एक तो उसके रुपये भी जाते हैं जो ले जाता है सामान बेचने वाला, और उसके बाद फिर 411 और 413 लगाते हैं, वो अनुचित है। इसमें संशोधन बहुत जरूरी है।
राष्ट्रीय स्तर पर संगठन ने आपके क्या राष्ट्रीय स्तर पे हमारा कई बार हमने आंदोलन भी हुए और ज्ञापन भी हमने सारी व्यापारी एसोसिएशनों ने दिए। हमारे मध्य प्रदेश की भी सर्राफ एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने भी बहुत इसका प्रयास करा और आने वाले समय में अब अभी चाह रहे हैं कि इसको किस ढंग से इसमें संशोधन कराएं। वो हमारी गतिविधि अभी आगामी बैठक होगी प्रदेश की, उतना हम ये बात रखें। मैं महेश पायल वाला, अध्यक्ष लखेरवाड़ी व्यापारी एसोसिएशन। शासन से यही मांग चल रही है कि इसमें व्यापारी को किसी भी प्रकार से राहत दी जाए, क्योंकि जैसे ही चोर ने बोला कि यार ये अमुक सामान मैंने इसको यहाँ बेचा, भले ही उस व्यापारी ने लिया हो या नहीं लिया हो, आप उससे व्यापारी को बिल्कुल चोर बना के उससे वो सामान जब्ती करवाते हैं। हाँ, तो हमारी यही है शासन से, प्रशासन से, कि धारा 411 में व्यापारियों को जो मनगढ़ंत ये चोर आके इल्ज़ाम लगा देते हैं उससे किसी भी तरह राहत दी जाए, ताकि व्यापारी को व्यापार करने में आसानी हो। किस कितनी बार ऐसा हो जाता महीने में कि कितनी बार चोर स्वर्णकारों को बता देते हैं, और ऐसा पिछली बार कब घटना हुई है? बिल्कुल होता ही रहता है भाई, सब बाजार में आते रहते हैं, कहीं से भी आएंगे और मान लो भले उसने बेचा हुआ नहीं बेचा हो, सामने वाले दुकान वाले बोलते हैं भैया मैंने यहाँ बेचा, तो बस वो व्यापारी जाने और वो जाने, पुलिस चोर बीच में सड़ जाता है। इस समस्या को लेकर आपका एसोसिएशन कहाँ तक प्रयास किए हैं? हमने भाई साहब भाई स्वर्ण माटी कला बोर्ड का जो गठन हुआ उनके अध्यक्ष से बात करी है, और हमारे एसोसिएशन ने भी कई बार इसकी पहल करी है, लेकिन ये धारा जो है केंद्र की है और उस केंद्र की धारा के चक्कर में अभी तक इसका कोई निकाल नहीं हो पा रहा है। तो राष्ट्रीय संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पे इसको लेकर शासन तक आवाज पहुंचाई हो? बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पे इसकी आवाज पहुंचाई है और बहुत बार हमारा जो अध्यक्ष माननीय सांसद जी है उन्होंने भी ये चीज रखी है। अब ये देखो वहां से कब इसमें राहत मिलती व्यापारी को, वो जो भी होगा वो केंद्र से होगा, केंद्र की धारा है, तो वो केंद्र कब इसमें राहत दे। सारे ये नई सरकार का गठन होने वाला है, लोकसभा चुनाव हुए हैं, नई सरकार बनने वाली है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं नई सरकार से कि इन धाराओं में परिवर्तन हो? हम उम्मीद तो बहुत करते हैं इन धाराओं में परिवर्तन हो, व्यापारियों को राहत मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है व्यापारियों के लिए आज के समय में। कोई भी आके बोल देगा भैया मैंने ये सामान बेचा है, उस व्यापारी ने लिया हो या नहीं लिया हो, उसको उसका पेमेंट देना है या सामान देना है। यदि सामने वाले ने नहीं लिया हो तो उसको बहुत उस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ता है, और नुकसान के साथ साथ फिर आर्थिक सामाजिक रूप से भी उसकी वो होती है, इज्जत गिरती है कि यार ये आदमी जो है ऐसे ऐसे काम में लिप्त है, तो उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। आपका शुभ नाम? राजेश सोनी, और मैं लखेरवाड़ी व्यापार एसोसिएशन का सदस्य हूँ उज्जैन से, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को आप मीडिया के द्वारा आगे तक पहुँचाएं, और ये धारा 411 जो चल रही है इसमें व्यापारियों को किसी भी तरह से राहत मिले, ऐसी हम आशा करते हैं।